हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा न्यूड यू नो ऑरेंजेस कुछ लुक दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय गाइस, सो यहाँ पर मैं कुछ कर रही हूँ और चलो चालू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक मॉइस्चराइज़र ले लिया है जो कि हिमालय का मॉइस्चराइज़र है। ऑडियम से ज़्यादा निकल गया तो कैसे, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में मैंने इसको रख दिया और मैं थोड़ा सा ले लिया मैंने, फिर इसको मैं पूरे फेस पर अप्लाई कर ले रही हूँ। तो यस, अच्छे से आपको इसको अप्लाई करना है, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको प्राइमर या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र इसको अच्छे से अप्लाई करना होता है। देन मैं प्राइमर ले रही हूँ यहाँ पर और इसको अच्छे से मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अपने जहाँ मतलब अप्लाई करने का पॉइंट होता है ना, मैं वहाँ पर इसको अप्लाई कर दे रही हूँ अच्छे तरीके से। सो या ये अप्लाई हो गया मेरा। और जो नेक्स्ट है वो मैं ले रही हूँ फाउंडेशन। जी हाँ, फाउंडेशन मैं ले रही हूँ। सो मैंने इसको ले लिया और मतलब पूरे फेस पे इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। आप चाहें तो डॉट डॉट करके भी कर सकते हो, लेकिन मुझे वो थोड़ा सा यू नो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैंने ऐसे कर लिया। और अगर पीछे आपको वॉइस आ रही हो तो सो सॉरी, क्योंकि मेरे घर वाले नहीं मानते हैं बोलने से। खैर कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ अच्छे से, जैसा कि आप देख रहे हो। सो इस फाउंडेशन की कवरेज उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक है, ये डेली मेकअप में तो ठीक चलेगा। एंड या अगर आपको अच्छी कवरेज चाहिए तो आप मेबलिन का ले सकते हो। और लैक्मे का फाउंडेशन एक आता है अंडर 100, लैक्मे का फाउंडेशन आता है, वो ले सकते हो, उसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है। वो मेरे पास था लेकिन उसका पूरा बॉटल मुझसे धोखे से टूट गया, आई डोंट नो। और मैं यहाँ पर किसी को शांत करते हुए सो इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। देन मैंने यहाँ पर क्रीम कॉन्टोर लिया है। पिछली बार मैंने लिक्विड कंसीलर लिया था, लेकिन इस बार मैंने कंसीलर लिया है। सो सॉरी गाइज। सो मैंने यहाँ पर कंसीलर ले लिया, यू नो अभी मैं बिगनर हूँ तो थोड़ी थोड़ी वॉइस में मिस्टेक हो जाती है मेरे, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सो मैंने ये अच्छे से ले लिया और ये मुझसे बंद नहीं हो रहा था, लेकिन एंड में ये बंद हो गया मुझसे। फिर मैं अपना ब्लेंडर ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है। फिर मैंने अपना ब्लेंडर ढूंढ लिया फाइनली, और उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ जैसे कि आप देख रहे हो। ये मैंने वीडियो थोड़ी सी फास्ट कर दी है, तो वहाँ वहाँ लगा लिए जहाँ यू नो थोड़ी सी पिगमेंट है मेरे, या मुझे वो हाईलाइट करना है तो मैंने वहाँ वहाँ अपनी सारी फेस पर यू नो लगा लिए। सारी फेस पर नहीं, जहाँ जहाँ मैंने लगाया है वहाँ आप ईजिली लगा सकते हो। सो या मैंने इसको जल्दी नहीं किया, क्योंकि आपको भी पता चला चाहिए क्योंकि कैसे ब्लेंड होता है। सो या इसको मैंने अच्छे तरीके से पूरे फेस पर ब्लेंड कर लिया है। और आप मुझे किस किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो सो गाइस नीचे कमेंट में बताओ यार, आप लोग तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देते हो। तो या अच्छे से मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। और अगर आपके पास न्यू चैलेंजेस हैं, मेकअप चैलेंजेस हैं या फिर फूड चैलेंजेस हैं, वो भी आप मुझे बताओ। सो यहाँ मैं लूज़ पाउडर ले रही हूँ अपना, उसको अच्छे से अप्लाई कर ले रही हूँ। सो थोड़ा सा ये यू नो इधर उधर हो रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। खैर उसकी तो कोई बात नहीं, यू नो मुझे अच्छा नहीं लगता है ये उड़ता है इधर उधर। उसके बाद जब तक मेरा लूज़ पाउडर सेट हो रहा है तब तक मैं जाऊँगा अपनी आईब्रो कर ले रही हूँ। सो इस बार मैंने डार्क आईब्रो रखी, थोड़ी सी डार्क। सो या और ये ब्रश बहुत अच्छे, इसका रिव्यू मैं जल्दी लेके आने वाली हूँ। यू नो काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे ब्रशेज हैं। इफ़ यू वॉन्ट यू नो कि मैं इसका जल्दी लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताना। सो या अभी मैंने ये शेड पिक किया है कुछ ऑरेंजेस का, और इसको मैं अपनी पूरी आइज पर लगा ले रही हूँ अच्छे से। यू नो ये हम थोड़ा पीची लुक कर रहे हैं, सो इस वजह से मैंने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया एक फ्लपी ब्रश की हेल्प से। अच्छे से मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और इसको पूरी जो आपकी आईलिड है उस पर अप्लाई कर लेना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पर कोई आ गया तो मैं इधर उधर देख रही हूँ, क्या कोई बात नहीं, वो तो इधर उधर आना जाना लगा ही रहता है। ये तो अगर आप घर में शूट कर रहे हो तो ये नॉर्मल सी बात है, ठीक है। सो या मैंने दूसरी इस पर भी आराम से इसको अप्लाई कर लिया, आप देख सकते हो मैंने एक फ्लफी ब्रश लिया है और इसको अच्छे से मैंने पीची लुक किया है थोड़ा। तो मैंने सोचा है कि मैं आउटफिट भी यू नो थोड़ा येल्लोइश रखूं, तो मैंने येल्लो ही पहन लिया है और बंद मैंने बना लिया है। लेकिन आगे आप जो लुक देखोगे वो काफ़ी अच्छा है, और इसको आप इजीली कहीं भी
नो, अगर आपको पार्टी में जाना है, बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर कहीं फंक्शन में भी जाना है, वहाँ पर भी आप इसको ईजिली कैरी करके जा सकते हो, यू नो। फिर मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ, जो कि मैं ले रही हूँ ऑफकोर्स, और इसको मैं अपनी हल्की सी यू नो ऑरेंज वाला जो शेड है उसके ऊपर हल्का सा मैं इसको टैप कर दे रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मुझे सही लग रहा था इसीलिए। सो या मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ ताकि इसमें कोई भी हार्श लाइन ना दिखे मुझे कि ख़राब हो गया या कैसा भी। तो इसको फटाफट से मैं ब्लेंड कर ले रही हूँ, और मैंने थोड़ा सा और कलर लिया था, तो अभी मैं दिखा रही हूँ कि हाँ हो गया हमारा। सो या अभी मैं ये ग्रीन कलर लूँगी, तो आई डोंट नो। अच्छा, तो हम इसको लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी, एंड इससे बहुत अच्छा लुक आया था गाइस, ट्रस्ट मी। आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यू नो थोड़ी काजल का स्मोक वाला इफेक्ट आ गया था, बहुत अच्छी लग रही थी मेरी आईज। सो नेक्स्ट हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। सो ये मस्कारा आई डोंट नो मैंने कहाँ से लिया था, शायद ही मैंने लोकल मार्केट से लिया था। हाँ, लेकिन आपको अगर मस्कारा अच्छा चाहिए तो आप मेबलिन का मस्कारा ले सकते हो, ये भी बहुत अच्छा मस्कारा है। आई डोंट नो, आई थिंक ये 150 और 116 ऐसे करके मुझे मिला था, लोकल मार्केट से ही लिया था मैंने, लेकिन बहुत अच्छा मस्कारा है गाइज। सो नेक्स्ट मैं ब्लश लगा रही हूँ, जो कि पीची ब्लश है, क्योंकि हम पीची लुक कर रहे हैं पूरा। तो या इसको मैंने अच्छे से यू नो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया था, सो मैं इसको अच्छे से रिमूव कर दे रही हूँ, एक्सेस रिमूव कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो मैं इसको एक्सेस रिमूव कर रही हूँ, और बहुत सुंदर लुक आया है ये, एंड आई लव दिस लुक। नेक्स्ट मैं हाइलाइटर के लिए ले रही हूँ अपना पैलेट, जी हाँ, उसके बाद फिर मैं ये वाला शेड अपने अप्लाई करूँगी। यू नो हाइलाइटर लगाना मुझे बहुत पसंद है, हाइलाइटर और आई शेडो, मुझे लिपस्टिक लगाना भी बहुत अच्छा लगता है गाइज। अगर आप मेरी लिपस्टिक कलेक्शन भी देखना चाहते हो तब भी आप मुझे कमेंट करके बताना। यार आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, और यू नो मुझे नए नए आइडियाज़ दो आप लोग, ताकि मैं भी आपको खुश रख पाऊँ और बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट बना पाऊँ। सो नेक्स्ट मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, ये लिपस्टिक इसकी लिंक अगर मुझे मिली तो मैं इसको सेंड आपको यू नो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, लेकिन आई डोंट नो कि मुझे मिलेगी भी कि नहीं, क्योंकि मैंने 2 साल पुरानी है मेरी लिपस्टिक, लेकिन बहुत सुंदर इसका कलर आता है गाइस, बहुत सुंदर। और लेकिन ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी, आई डोंट नो, खैर एनीवेज, लेकिन बहुत सुंदर लिपस्टिक है। अगर मुझे लिंक मिलेगा तो पक्का मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी, एंड बहुत सुंदर, बहुत अच्छी सी लिपस्टिक है ये, पीची लिपस्टिक है, बहुत अच्छी है, यू नो डेली वेयर की भी अच्छी है, पार्टी के लिए भी अच्छी है, और हर चीज़ के लिए अच्छा है। सो या यहाँ पर मेरा लुक पूरा कंप्लीट होता है गाइज, आई होप आपको पसंद आया हो। सो अगर आपको प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सो या एंड ये आप मेरे ब्यूटी शॉट्स दे सकते हो, बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ये लुक विद मैंने। सो इस लुक को मैंने कंप्लीट किया है 1 पोनीटेल एंड क्यूट क्यूट से इयररिंग को। सो या आई लव दिस लुक गाइस, प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देने की कोशिश कीजिए, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, बाय।